प्रातःवंदन बच्चों, आज हम शेमुषि प्रथमो भाग नवम कक्षा है कक्षा नौमी की संस्कृत पाठ पुस्तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि इसके पहले मैं आपको इस पाठ की जो कथा है वो पढ़ा चुकी हूँ और आज हम इनके जो प्रश्नोत्तर हैं तो प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सभी बच्चों से यह कहना चाहूँगी कि आप सभी बच्चे बेटा जो भी आपने कॉपी या रजिस्टर बनाया है उसमें आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नोत्तरों को लिखते चले जाएंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। जैसे कि मैंने बताया ये पाठ द्वितीय है, स्वर्ण का है, सोने का कौआ है, विश्व कथा शतकम से संकलित है, ये कथा है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको ये कथा समझाई थी कि जिसमें सोने का कौआ है और एक निर्धन बालिका रहती है, उनकी जो एक वृद्ध माँ रहती हैं, है ना, किस प्रकार से उस कौए को, सोने का जो कौआ उन्होंने कभी देखा नहीं होता है, किस प्रकार से वो उनके दानों को चुगता है, चावल को खाता है और किस प्रकार फिर उनके वो मूल्य को किस रूप में देता है। ये सारी मैंने आपको कथा बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी। उसी के एक पदेन मैंने आपको प्रश्नोत्तर भी बताए थे। आज हम अधोलेख के दूसरे प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए इसके आगे के जो प्रश्नोत्तर हैं वह हैं अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर को आपको किस भाषा में लिखना है? संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसी। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसी। तो जो निर्धन वृद्धा की पुत्री थी वो कैसी थी? विनम्र और सुंदर थी। दूसरा है बालिकाया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले कैसा कौआ नहीं देखा गया था? तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, चलिए उत्तर के रूप में पढ़ते हैं। बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। कैसा नहीं देखा गया था? बालिका के द्वारा पहले सोने के पंख वाला और रजत चंचु यानी चांदी की चोंच वाला जो कौआ है, सोने का जो कौआ है, वह नहीं देखा गया था। यह मैंने आपको समझाया था कि जब वो चावल सुखाती है तो वह एकदम से देखती है कि सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला कौन आकर के बैठा है, कौआ आकर के उसके चावलों को खा रहा है। फिर है निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम कानी अपश्यत। निर्धन की पुत्री ने संदूक में क्या देखा? निर्धन की पुत्री ने संदूक में क्या देखा? तो क्या देखा उसने? निर्धनाया दुहिता मंजुषायाम महाहारणी हीरकाणी अपश्यत। निर्धन की पुत्री ने संदूक में, संदूक माने पेटी में, बहुमूल्य हीरे देखे। क्या देखे उसने? निर्धन की पुत्री ने संदूक में बहुमूल्य हीरे देखे। फिर है बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। क्यों बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो बालिका स्वर्णमयम प्रसादम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका सोने के बने महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या देख? प्रसादम माने होता है महल, स्वर्णमय यानी सोने का, आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित हो गई वो। तो बालिका क्या देखकर? सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। गर्विता बालिका की दृशम सोपानम अयाचत की दृशम च प्राप्तनोत। जो घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की? जो घमंडी बालिका थी उसने कैसी सोपानम माने क्या? सीढ़ी। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्तनोत। घमंडी बालिका ने सोने की सीढ़ी मांगी
और मिली कौन सी उसको, तांबे की बनी। इस प्रकार बच्चों अब इसका प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। जो नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर आपको इसमें क्या करना है, लिखना है। देखिए आपको इसमें दिए हुए हैं विलोम माने होता है उसका विपरीत, है ना। जैसे दिया है पश्चात तो क्या आएगा पूर्वम, हसितुम रोदितुम अधः उपरि, श्वेतः इसका क्या आएगा कृष्णः, सूर्यस्त सूर्यस्तः सूर्योदयः, सुप्तः क्या आएगा प्रबुद्धः। इस प्रकार विपरीत विलोम शब्द यानी इसके विपरीत ये आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फिर इसी का आता है आपको संधि कुरु, संधि को करो, संधि को करना यानी आपको क्या करना है जोड़ करके उस शब्द को पूरा बनाना है, पूरा लिखना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है निह धन अवसत न्यवसत, फिर है सूर्य धन उदय तो क्या आएगा सूर्योदय, वृक्षस्य धन उपरि वृक्षस्योपरि, ही धन अकार्यत क्या आएगा है कार्यत, फिर है च धन एकाकिनी, क्या शब्द संधि क्या आएगी इसकी चई काकिनी, क्या आएगा चई काकिनी, फिर है इति धन उक्त्वा इत युक्त्वा, है ना इति धन उक्त्वा इत युक्त्वा, फिर है प्रतिधन आवदत क्या आएगा प्रत्य बदत। इस प्रकार से बच्चों आपको ये क्या है संधि करना है और ऊपर के जो प्रश्न दिए हैं उसमें आपको विलोम लिखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम करो, स्थूल पदान्य स्थूल का मतलब होता है मोटे, अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जैसे कि इसमें दिया है का ग्रामी निर्धना स्त्री अवसत, ठीक है अब इसमें क्या करना है इसमें प्रश्न मतलब अपन को इस को प्रश्न बनाना है। तो कैसे आएगा जैसे मैं आपको बताया ग्रामी निर्धना स्त्री अवसत, तो गांव में निर्धन महिला रहती थी। अब प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा ग्रामे का अवसत यानी गांव में कौन, तो जो कौन शब्द है इससे इसका क्या हुआ प्रश्न निर्माण हो गया, तो गांव में कौन रहती थी, ठीक है। फिर दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, यानी सोने के कौवे को दूर करती हुई बालिका ने प्रार्थना की। अब इसको हम प्रश्न निर्माण जब करेंगे इसका जो प्रश्न निर्माण होगा तो इसमें क्या लग जाएगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत यानी किसको, कम माने किसको, किसको बालिका रोकती है ना तो किसको, कम माने किसको, किसको रोकते हुए बालिका ने प्रार्थना की। फिर है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। प्रश्न निर्माण में क्या आएगा, प्रश्न निर्माण कैसा होगा कस्मात, कस्मात यानी किससे, कस्मात का क्या आएगा किससे, तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, किससे पहले ही बालिका वहां उपस्थित हो गई। फिर है बालिका निर्धन मातुहु दुहता आसी, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी, निर्धन मातु यानी निर्धन माता की, दुहता माने पुत्री, आसीत माने थी बालिका, ठीक है। अब प्रश्न निर्माण जब हम इसका करेंगे तो क्या आएगा बालिका कस्या, कस्या माने किसकी, ये प्रश्न निर्माण हो गया बालिका कस्या दुहिता आसी यानी बालिका जो है वह किसकी पुत्री थी। फिर है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम भी ज्ञातवती यानी लालची वृद्धा सोने के कौवे के रहस्य को जान गई, जो लालची थी, है ना। प्रश्न निर्माण क्या आएगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य में
ज्ञातवती यानी लालची वृद्धा किसके रहस्य को जाने। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको यहाँ पर स्थूल पद बताए और आपको उसको कॉपी में लिखना है। चलिए आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरु पाठा चित्वा वा लिखत। प्रकृति और प्रत्यय का क्या करना है, संयोग करो। ये आपके पाठ में ये शब्द दिए हुए हैं, जैसे दिया ना अथवा पाठ से चुनकर लिखो, तो आपके पाठ में दिए हुए हैं। तो प्रकृति और प्रत्यय का दोनों का संयोग करके आप जो शब्द है संयोग करो, संयोग करना लिखना। जैसे इसमें दिया है बी धन लोक धन लप बिलोक, लप प्रत्यय लगा, ठीक है ना, तो क्या बन गया ये बिलोक के बन गया। फिर दिया है खा नी धन छिप धन लप, तो क्या बन गया निक्षिप्य, क्या बन गया ये निक्षिप्य, है ना। फिर दिया है आ घन आ धन गम धन लप, इसमें भी कौन सा प्रत्यय लगा है लप प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया ये आगम्य, क्या बन गया आगम्य। अब इसके बाद दिया है दृश धन त्वा, जो का है ये जितने भी ये हैं इनका लोप हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे दृष्टवा, क्या बना बेटा दृष्टवा। फिर है श्री धन त्वा शहित्वा लघु धन तमप, तो क्या बन गया लघु तमह। इस प्रकार से प्रकृति और प्रत्यय को जब हम मिलाएंगे इसका संयोग करेंगे तो ये कौन सा शब्द बन जाएंगे, ये जो लिखे हुए हैं इनके उत्तर, ये आपके पाठ में भी ये शब्द आए हुए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आया है यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु, अब इसको अलग अलग करना है। अभी हमने संयोग किया, अब हम इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। तो प्रकृति धातु और शब्द, ठीक है ना, धातु और शब्द, कौन सी धातु है कौन सा प्रत्यय है। जैसे सबसे पहले इसमें दिया है रोध तुम, तो रुद धातु है तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा दृष्ट धातु है त्वा प्रत्यय। विलोक विधन लोक लप प्रत्यय है। निक्षिप्य निधन क्षिप धातु है ना, तो उसमें क्या आएगा लप प्रत्यय आ जाएगा। आगत्य तो आ धन गम क्या आएगा लिप, तो आगत्य में आधन गम धातु लगी और लप प्रत्यय लगा। शयित्वा श्री श्री धातु त्वा प्रत्यय यहां पर आ जाएगा। लघुत्तमम लघु और तमक, इस प्रकार से अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था संयोग करना, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इसका विभाग करना, मतलब अलग अलग करना। तो यहाँ पर धातु और शब्द दोनों को क्या किया है अलग अलग किया गया है, प्रकृति और धातु अलग अलग। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसके बाद है अधो लिखितानी कथनानी कह का कम काम चा कथयति। नीचे लिखे कथन कौन और किससे कह रहा है, जैसे कि हमने जो पाठ आपको जो कथा पढ़ाई स्वर्ण काका की, तो वहां पर जो जो शब्द यानी किसने किससे क्या कहा, तो आपको यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे दिया है कथनानि यानी किसने किससे कहा, तो पूर्वम प्रात राशः क्रिया ताम, तो कह का और कम काम, तो स्वर्ण काका ने किससे कहा बालिकाम से कहा, बालिका से कहा ये शब्द। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यः रक्षः, तो ये जो बालिका की जो वृद्ध माँ होती है ना, तो वृद्धा ने किससे कहा अपनी बालिका से कहा, तो वृद्धा बालिकाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर है तांडुलान माँ भक्षः, तो ये किससे कह रही है कि अरे रुको मेरे को मत खाओ, बालिका स्वर्ण काका मैंने स्वर्ण सोने के कौवे से कह रही है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, वो बोलता है ना कि अरे ठीक है तो मैंने तुम्हारे चावल खाए तो हम तुम्हें तुमको उसका क्या देंगे मूल मोल देंगे, तो ये कौवा जो है वह बालिका से कहता है, ठीक है। फिर वो नीच काका अहमागतः, तो लुब्धा बालिका जो है वह स्वर्ण काका से कहती है महाम तांडु मूल्यम प्र, अरे मुझे तुमने मेरे वो खाए तुम नीच काका कौवे तो मुझे उसका क्या दो मूल दो। चलिए आगे पढ़ते हैं। उदाहरण उदाहरणम मुनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानी पूर्य। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों में
पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान भरो, ठीक है। ये जो दिए हैं इसमें पंचमी विभक्ति सब में लगाना है। जैसे एक उदाहरण के रूप इस प्रकार बच्चों जो आपको ये उदाहरण दिए हुए हैं इनको आप में इसमें क्या लगाना है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना, ठीक है ना। तो सब में क्या आ जाएगा, देखिए जैसे दिया है मूषिका है बिलाद बहिर निर्गच्छति, तो बिल जो दिया इसमें आ जाएगा बिलाद, ठीक है। जन खाली स्थान वही आगच्छति, तो क्या आ जाएगा ग्रामात, सब में ता उसमें आ जाएगा, है ना। नद्या खाली स्थान निस्सरंती, तो क्या आ जाएगा पर्वतात, जो नदी वो कहाँ से निकलती है, तो क्या आ जाएगा इसमें पर्वतात। फिर है गा खाली स्थान पत्राणी पतंती, तो क्या आ जाएगा वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरने का। बालिका सिंहात विभेति, सिंह से, ठीक है ना। ईश्वर खाली स्थान त्रायते, तो क्लेशात क्लेशात, है ना। प्रभु प्रभु भक्तम खाली स्थान निवार्यति, तो क्या आ जाएगा पापात, पाप का क्या, जो शब्द आपको कोष्टक में दिए हैं इसमें सब में पंचमी विभक्ति लगेगी, इसको इसमें आंसर नीचे उत्तर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको अपनी कॉपी या जो भी बच्चों आप लोगों ने रजिस्टर बनाया है बेटा, आप लोग उसमें बहुत अच्छे से लिखते जाइए, क्योंकि ये संस्कृत है इसलिए इसके प्रश्न उत्तरों को आप बहुत अच्छे से लिख करके याद करते जाइए। धन्यवाद।